अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चौहासिफ हाशमी और यह है टोयोटा BZ4X 2022 मॉडल। ये इसका ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है और टोयोटा की लाइनअप में BZ4X बड़ा वियर्ड सा नाम है। अगर मैं आपको सिर्फ बोलूं कि BZ4X एक गाड़ी है तो आपको लगेगा चाइनीज गाड़ी है या शायद BYD की कोई नई गाड़ी आई है, बट ऐसा नहीं है। ये टोयोटा है और इतना डिफरेंट नाम होने की वजह यह है कि यह गाड़ी भी बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू टोयोटा की बाकी की कार, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है। टोयोटा की तरफ से ये पहली इलेक्ट्रिक SUV है, जो कि मेरे ख्याल से टोयोटा को बहुत पहले निकाल देनी चाहिए थी। टोयोटा ने इतना टाइम इलेक्ट्रिक पे वर्क ही नहीं किया। 22 में जाके फाइनली टोयोटा ने एक कार लॉन्च की है और 22 में ये बनना शुरू हो गई थी, लेकिन ये मॉडल ईयर जो कंपनी कहती है 2023 से आना शुरू हुई है। टोयोटा की तरफ से ये EV है तो काफी तरह रिलायबल होगी ही, लेकिन इसमें कुछ चीजें कंपैरेटिवली इसके कंपटीशन से थोड़ी सी पीछे हैं, बट प्राइस पॉइंट के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। ये गाड़ी 1.75 करोड़ की है, जो कि बहुत कम प्राइस नहीं है, लेकिन आपको 175 में प्रियस मिलती है, जबकि प्रियस से ये गाड़ी बहुत तेज है, बहुत लग्जूरियस है और बड़ी भी है। फिर इसके अलावा इसका कंपटीशन देखा जाए तो ऑडी Q3 भी आपको इतने की मिलती है, जो कि फीचर्स के लिहाज से इससे आधी और साइज के लिहाज से भी छोटी होती है। इसके अलावा इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसको वर्थ इट बनाती हैं और एक सिंगल चार्ज में ये गाड़ी तकरीबन 350 से 400 किलोमीटर चल सकती है। तो हर लिहाज से ये गाड़ी एक अच्छा पैकेज है और पाकिस्तान में ये ओनली कार है। टोयोटा की ये पहली EV पाकिस्तान में है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोड स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोड्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट इलेक्ट्रिक SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। एक्सटीरियर ऑफ दिस कार लुक्स के लिहाज से मोर लेस मोस्टली टोयोटा की कार जैसी ही है, लेकिन अगर सबसे पहले बात की जाए इस गाड़ी के नाम की, जो कि वियर्ड सा नाम है BZ4X, तो इसके पीछे एक थॉट भी है। BZ का मतलब यह है कि बियॉन्ड जीरो, और बियॉन्ड जीरो के आगे का थॉट यह है कि बियॉन्ड जीरो एमिशंस। इसमें इंजन नहीं है, ना ही ये गाड़ी फ्यूल लेती है, तो इसकी एमिशंस भी कोई नहीं है। तो बेसिकली टोयोटा ने इसका नाम ही बियॉन्ड जीरो रखा है और 4X पे इसका वर्जन है। अगर आपको ये रिव्यू यहाँ तक पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज ही इस तरह की लग्जूरियस कार्स की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अगर बात की जाए इसके फ्रंट एंड की, तो इसका ये वाला एंड जो है ये इसके साथ की प्रियस से काफी हद तक मिलता जुलता है। प्रियस की हेडलाइट्स भी कुछ हद तक ऐसी ही हैं और उनके ऊपर भी इस तरह का एक एरिया दिया गया है। सेम गोज फॉर दिस कार। और अगर सिर्फ आप इसका नीचे वाला एरिया देखें तो ये काफी हद तक क्राउन से मिलता जुलता है। क्राउन में भी इतनी ही पतली और इस तरह की लाइट दी गई है। फ्रंट से अगर आप इसको फर्स्ट नजर में देखें तो आप इसको क्राउन SUV से कंफ्यूज भी कर सकते हैं। बाकी फीचर्स भी इसमें क्राउन के आसपास के ही दिए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी में फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, ऊपर यहाँ पर रडार आता है और इसके बोनट के अंदर यहाँ पे एक ब्लैक कलर का पोर्शन दिया गया है, जो कि इसके लुक्स को बेहतर बना रहा है। बाकी यहाँ पे ग्रिल्स भी अनयूजुअल हद तक कम है, क्योंकि ऑब्वियसली इसको हवा की जरूरत ही नहीं है, इसमें इंजरी नहीं आता। बाकी इसके बम्पर में पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, साथ यहाँ पे ये विंड टनल्स दी गई हैं जहाँ से ये गाड़ी हवा से करके साइड से बायर करती है। और इस गाड़ी में पहली बार मैंने कोई फेंडर देखा है जो कि मोस्टली प्लास्टिक का है और इसमें जरा सा लोहा दिया गया है। बाकी इस गाड़ी में दोनों ही तरफ चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, यहाँ भी वहाँ भी। यहाँ वाला चार्जिंग पोर्ट AC वाला है, ये 6 kW का है, वहाँ वाला DC वाला है और वो 150 kW का है। ये नॉर्मल चार्जिंग है जो कि आप घर पे करेंगे, वो फास्ट चार्जिंग है जो कि आप कमर्शियल चार्जर्स पे कर सकते हैं, लेकिन ये चार्जिंग पोर्ट अनयूजुअल हद तक बड़ा है, मोस्टली कार्स में इससे काफ़ी छोटे आते हैं। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बैचिंग दी गई है। टोयोटा की मोस्टली कार्स में यहाँ पे आपको हाइब्रिड देखने को मिलेगा, ये पहली कार है जिसमें इलेक्ट्रिक देखने को मिल रहा है। काफी तरह एग्रेसिव है। टोयोटा ने यहाँ पे हर तरह की कटर लाइन दे दी है और इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री भी चारों ही डोर्स में आती है, यानी कि मैं किसी भी डोर से इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकता हूँ। ये चीज भी टोयोटा सिर्फ V8 या प्राडो वगैरह में देता था पहले, बट अब इस तरह की छोटी कार से भी फीचर आने लग गए हैं। और स्पेसिफिक कार क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन यानी कि ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है, तो इसमें ये जो साइड मिरर है ये ब्लैक दिए गए हैं और व्हील बेस के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी मैसिव है। इसमें क्वार्टर ग्लास भी दिया गया है जो कि बहुत ही टाइनी सा है। आई एम नॉट श्योर इसका क्या पर्पस है, बट ये मेरे ख्याल से लुक्स पे ज्यादा फोकस है। बाकी ओवर फेंडर इसमें रेड ट्रैक के ऊपर भी काफी ज्यादा मैसिव दिए गए हैं। एंट्री एक्सिट भी इसमें काफी आसान है क्योंकि ये गाड़ी हाइट के लिहाज से ऊंची है। और अगर बात की जाए रेयर एंड की, तो ये भी इसका लुक के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ से भी आपको गाड़ी कहीं से भी टोयोटा नहीं लगेगी।
इसके टेलर्स काफ़ी अग्रेसिव हैं, बंपर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कट्स दिए गए हैं और इसके अलावा इसमें ये लावा एलईडी बार कंटिन्यू करता है एंड तक। टोयोटा की मोस्टली कार्स भी चीज़ पहले नहीं आ रही थी लेकिन रिसेंटली टोयोटा ने हर कार में चीज़ दे दी है। प्रियस में भी ऐसी आती है, क्राउन में भी ऐसी आती है, सेम गोज फॉर दिस कार। और इसमें फिर टेलर्स का बहुत बड़ा सारा एरिया नीचे तक कंटिन्यू कर रहा है, वैसे ही जैसा कि 2016-17 की कैमरी में करता था। बाकी इसके अलावा टेलगेट्स गाड़ी पावर्ड है जो कि ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस, और इसकी ट्रंक कैपेसिटी भी अच्छी खासी स्पेशियस है। ये गाड़ी मेरे ख्याल से प्रियस एक बेहतर ऑप्शन है और मैं इसको प्रियस से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रियस वाली ही हैं। फिलहाल अगर बात कीजिए ट्रंक कैपेसिटी की तो ये गाड़ी 5 सीटर है, 3rd row सीट इसमें नहीं आती। नीचे की यहाँ पर स्टोरेज एरिया दिया गया है, स्पेयर टायर इसमें भी नहीं दिया गया और इसके अलावा डिग्गी में काफ़ी सारे पावर आउटलेट, लाइट्स, हैंगर वगैरह दिए गए हैं। रेड बेंचेस को फोल्ड करके मैं इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बना सकता हूँ। और इसके अलावा इसमें 360 व्यू के लिए अलग से एक डेडिकेटेड कैमरा दिया गया है। बैक पे यहाँ पे आपको 2 कैमरास नजर आएंगे जो कि एक तो आपको बैक का व्यू देगा, एक आपको प्रॉपर फिश आई व्यू, वाइड व्यू, नॉर्मल व्यू, हर तरह का व्यू देगा। और इसके अलावा बाकी स्पॉइलर भी इसका टोयोटा की नई मोस्टली कार्स की तरह काफी ज्यादा खूबसूरत है। फिर इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं। टोयोटा की ये पहली कार है जिसमें बैक पे एग्जॉस्ट नहीं है। और इसके अलावा इसके बीजी के लोगों के अंदर ब्लू कलर की लाइनिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये एक इलेक्ट्रिक कार है, ईवी है। तो इंटीरियर बेड के साथ ही आप जो पहली चीज नोटिस करेंगे वो है इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। ये एज इट इज नई प्रियस जैसा है और इसका मीटर भी सेम टू सेम वैसा ही है। प्रियस में एक इशू था और इसमें भी सेम टू सेम वो इशू है और वो ये है कि मैं अगर ड्राइवर की सीट पे कंफर्टेबली बैठता हूँ तो इसका मीटर मुझे नजर नहीं आएगा, मेरी लाइन ऑफ साइड के बीच में इसका स्टीयरिंग आ रहा है। ये मेरे ख्याल से बहुत वियर्ड चीज़ है और मेरे ख्याल से टोयोटा को इसको बेहतर करना चाहिए था। अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो नजर आएगा या फिर मुझे नीचे से नजर आएगा, बट कंफर्टेबली मीटर नजर नहीं आता। और फिर यही नहीं, इसका मीटर है भी काफ़ी छोटा सा, साइडों में बहुत बड़े सारे एरियाज दिए गए हैं लेकिन सेंटर में एक छोटी स्क्रीन है। आई एम श्योर टोयोटा इसको फेसलिफ्ट की बात बेहतर करेगा बट फेसलिफ्ट से पहले आपको इस वियर्ड स्क्रीन के साथ गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा बाकी सब कुछ इस गाड़ी में बहुत फिट है। अगर बात कीजिए इसकी स्क्रीन की तो आपको ट्रेस, LHK/L, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी के सेंसर, इन सारी चीज़ों को ऑन ऑफ करने के साइड शो करवाती है। लेकिन इसमें फ्यूल की नहीं बल्कि इसकी चार्जिंग का एक बात दिया गया है कि ये गाड़ी चार्ज कितनी है। फिर इसके मीटर की हाउसिंग भी अच्छी खासी मैसिव दी गई है और इस हाउसिंग के आसपास वाला जो एरिया है ये बेसिकली एक डेनिम टाइप के पैटर्न में है। ये इसकी डैशबोर्ड की लुक को काफ़ी प्रीमियम बना रहा है। सेंटर में फिर इसकी काफ़ी बड़ी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन भी डिज़ाइन के लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसी स्क्रीन्स हमर ईवी में आती हैं, नई हैवल में आती हैं, मोस्टली नई कार्स इस तरह की स्क्रीन्स ऑफर कर रही हैं। लेकिन इसकी इंटीग्रेशन बहुत प्यारी है क्योंकि ये नीचे से पैनल शुरू हो रहा है जो कि कर्व होकर ऊपर जाता है और फिर ये यहाँ पे स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 360 कैमरास, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इसका एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो वायर्ड है। उसकी वायर बेसिकली आप यहाँ पे लगाएंगे और फोन को आप यहाँ सेंटर में रख सकते हैं। ये एक स्टोरेज एरिया दिया गया है। खैर उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन है और यहाँ पे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसकी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट हीटेड प्लस वेंटिलेटेड हैं। ये चीज़ें पहले लैंड क्रूजर्स में आया करती थी। फिर इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है, ये अगेन एक अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ पे एक इको मोड दिया गया है जहाँ पे गाड़ी बेसिकली करंट को मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ यूज़ करती है ताकि इसकी रेंज ज़्यादा से ज़्यादा रहे। फिर यहाँ पे एक नैनो नाम का डस्ट पार्टिकल फिल्टर भी दिया गया है तो क्लाइमेट कंट्रोल भी इसका जितना बेस्ट हो सकता था किया गया है। फिर नीचे यहाँ पे इसके एयरबैंड्स दिए गए हैं, पावर बटन दिया गया है और इसके अलावा इसका गियर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND की, लेकिन इसका गियर सिलेक्टर भी काफ़ी यूनिक है इस तरह से कि ये है तो रोटरी डिज़ाइन में और जैसा कि जोवर्स या हैवल वगैरह में आता है इसमें वैसा नहीं है। उनमें बैठ के आप गियर सिलेक्टर को सिर्फ घुमाएंगे तो गियर शिफ्ट करती हैं, बट इसके आगे केस में आपको इसको पहले नीचे दबाना पड़ेगा और फिर घुमाने पे गियर शिफ्ट करती है इस तरह से, दबाए बगैर ये घूमेगा नहीं। तो ये यहाँ पे डिफरेंट चीज़ है। फिर इसके अलावा पार्किंग ब्रेक इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, ब्रेक होल्ड दिया गया है और यहाँ पे बटन दिया गया है जो कि देखने में काफ़ी अनयूजुअल है और ये बेसिकली एक्सेलरेटर बना हुआ है जिसमें ऊपर नीचे के एरोस दिए गए हैं। इसका पर्पज़ ये है, ये बेसिकली इसकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग को कम इशारा करता है। रीजन ब्रेकिंग ये होती है कि इलेक्ट्रिक कार्स में जैसे आप गाड़ी के एक्सीलेटर से पाँव उठाते हैं तो गाड़ी ब्रेकिंग करना शुरू कर देती है खुद ब खुद और उसका मकसद ये है कि ये बेसिकली करंट प्रोड्यूस करती है और बैटरीज को चार्ज करती है तो इससे गाड़ी की रेंज बेहतर से बेहतर होती जाती है। अब ये गाड़ी कितना करंट प्रोड्यूस करें, कितनी जोर से रुके, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी इसमें एक और चीज़ भी अनयूजुअल है, वो ये है कि मैं जैसे इसका गियर लगाता हूँ और ब्रेक से पाँव उठाता हूँ तो ये गाड़ी चल पड़ती है जो कि मोस्टली इलेक्ट्रिक कार्स ऐसा नहीं करती। EVs को चलाने के लिए एक्सीलेटर को दबाना पड़ता है फिर गाड़ी चलना शुरू होती है।
बट ये गाड़ी आम इंजन वाली गाड़ियों की तरह ही ट्रांसमिशन को एंगेज करने वाली फील देती है। जैसे गियर डालते हैं, ट्रांसमिशन एंगेज होती है तो गाड़ी चल पड़ती है। यहाँ भी कुछ वैसा ही सीन है। फिर इसके अलावा लेफ्ट पे इसके बहुत सारे बटन दिए गए हैं, 360 कैमरास का, ऑटो पार्किंग का, ड्राइव मोड्स वगैरह, और पीछे पर यहाँ पे एक वही ड्रॉर दी गई है। इसका बेसिकली जो हुड है ये ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर ये बॉक्सेस दिए गए हैं जहाँ से मैं अंदर अपने फ़ोन वगैरह को देख सकता हूँ। ये एक और यूजफुल चीज़ है। फिर इसके अलावा पीछे ये दो कप होल्डर्स दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है जो ये काफ़ी स्पेशियस है। और अगर बात कीजिए सीट्स की तो इनका डिज़ाइन काफ़ी हद तक CHR की सीट से मिलता जुलता है, लेकिन ये सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं। और इसके जो ये सीट्स के जो पंच होल्स हैं ये बेसिकली लैंड क्रूजर जैसे हैं, नई वाले लैंड क्रूजर जैसे। ये सीट्स वेंटिलेटेड हैं तो इन पंच होल से यहाँ पे हवा थ्रो करती हैं। फिर ये सीट्स हैं भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और इनमें लंबा सपोर्ट भी आता है। ड्राइवर की विंडोज में सिंगल टैप वाली है, बाकी सारी विंडोज नॉर्मल हैं। ये एक वियर्ड चीज़ है, जबकि टोयोटा की अब सारी नई कार्स के अंदर विंडोज सिंगल टैप वाली आ रही हैं। साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल हैं, टेल गेट्स का पावर्ड है, और इसके अलावा वैनिटी मिरर भी इसमें दिया गया है और लाइट भी ऑटोमेटिकली ऑन होती है। फिर इसके अलावा इसकी जो कैबिन की लाइट है ये भी काफ़ी हद तक नई प्रियस से मिलती जुलती है। और इसके अलावा इसमें रेयरव्यू मिरर दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग वाला है। प्लस इस मिरर को अगर आप पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये बेसिकली स्क्रीन है, ये स्क्रीन ऑन होती है और आपको इसका पीछे का व्यू देती है और 360 डिग्री व्यू भी देती है, तो ये भी एक काफ़ी यूजफुल चीज़ है। फिर ये गाड़ी हार्ड टॉप है, इसमें पैनोरामिक रूफ या सनरूफ वगैरह मेरे ख्याल से आती ही नहीं है क्योंकि ये टॉप ऑफ लाइन वर्जन होते हुए भी इसमें रूफ नॉर्मल दी गई है। साउंड सिस्टम इसमें JBL का है। और इसके अलावा एक चार्ज में ये गाड़ी आपको तकरीबन 350 की रेंज देती है, लेकिन इसकी चार्जिंग में भी एक चीज़ थोड़ी सी पीछे है, वो ये है कि इसका चार्जर जो नॉर्मल चार्जर है घर वाला ये 6 kW का है, जबकि मोस्टली नई कार 7 kW के चार्जर ऑफर कर रही हैं। तो टोयोटा ने काफ़ी लेट एक अपनी ईवी निकाली है और उसमें भी सब कुछ बेस्ट नहीं है, कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अभी भी। और अगर बात की जाए स्काई मिरर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की तो यहाँ पे स्पेस काफ़ी सफिशिएंट है, बैक पर 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और यहाँ टेक भी अच्छी दी गई है। इस तरह से रियर पैसेंजर्स के लिए सी टू सी पावर आउटलेट दिए गए हैं, इनमें बेसिकली ये कैप्स दिए गए हैं जिनको निकाल के आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। इन कैप्स का पर्पज़ ये है कि इसमें कोई पानी वगैरह ना जाए। और इसके अलावा यहाँ पे इसके एयर वेंट्स भी दिए गए हैं। सीट्स इसमें 60-40 के फिट के साथ हैं, रेयर बेंचेस को फोल्ड कर सकते हैं, सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। और इसके अलावा बैक पे इसमें कर्टन एयरबैग भी दिए गए हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के अंडर द हुड सिचुएशन की तो यहाँ पे इंजन नहीं है, लेकिन इंजन जैसी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर्स यहीं पे ही हैं और एक क्योंकि डुअल मोटर वाली कार है तो इसमें कंपोनेंट थोड़े ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू इसका छोटा वर्जन। ऑल व्हील ड्राइव वाली कार में 4 टायर मूविंग है और ये गाड़ी 218 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि बहुत ज़बरदस्त है बॉडी साइज के लिहाज से। प्राडो जो कि इससे साइज में काफ़ी बड़ी है वो गाड़ी 176 या 170 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि वो फुल साइज़ ऐसी हुई है, जबकि ये साइज़ के लिहाज से उससे आधी है, वेट उससे आधा है, लेकिन पावर उससे ज़्यादा है। और एट द सेम टाइम ये गाड़ी क्योंकि ईवी है तो इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा क्विक है। ये गाड़ी 218 हॉर्स पावर है, इसका छोटा वर्जन 204 हॉर्स पावर है और एक सिंगल चार्ज में ये गाड़ी तकरीबन 350 किलोमीटर चल जाती है। टोयोटा क्लेम करता है कि ये 450 भी जा सकती है, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो वो 320-330 बनती है अगर आप एसी और हेडलाइट्स वगैरह सब यूज़ करते रहें तो। फिर इसमें यहाँ पे काफ़ी सारे कंपोनेंट आपको देखे नजर आएंगे, जैसे कि ये आम बैटरी। इस बैटरी का पर्पज़ ये है कि हर ईवी कार में बैटरी आती है, अगर ये गाड़ी डेड हो जाए तो यहाँ पे आप तारें लगा के इसको ऑन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक मोटर्स दी गई हैं, फ्लूइड्स वगैरह है नॉर्मल जिस तरह हर गाड़ी में होते हैं। इंसुलेशन यहाँ पे प्रॉपर दी गई है, जबकि मोस्टली ईवी कार्स में इंजन बे बिल्कुल एक्सपोज होता है, कोई इंसुलेशन होती ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंजन नहीं है तो फिर यहाँ पे कोई हीट भी नहीं होगी और कोई नॉइज़ भी नहीं होगी, तो कवर करने की जरूरत ही नहीं है। बट इस कार के केस में वो सब कुछ ना होते हुए भी इनको काफ़ी नीटली पैक किया गया है, प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है। इसका पर्पज़ मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बेसिकली इंसुलेशन इसलिए होती है कि शोर बाहर कम जाए और हीट भी कम जाए, बोनट ज़्यादा गर्म ना हो। बड़े इस कार के केस में क्योंकि हीट है ही नहीं तो मेरे ख्याल से इसका भी कोई पर्पज़ नहीं है, बट यहाँ पर यह दिया गया है। अगर बात की जाए गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो होता है BZ4X में यह है 235, 50 और 20 20 इंच का रिम दिया गया है इस गाड़ी में, जो कि यूजली आपको लैंड क्रूजर में देखने को मिलेगा। ऐसी 300 में 20 इंच का रिम आता है और इस गाड़ी में भी। बाकी ये रिम 3 कॉम्बिनेशन में है, क्लॉस ब्लैक, ग्रे और फिर एल्यूमिनियम के। और इसके अलावा इसमें डिस्क का जो कैलिपर है ये बेसिकली ब्रेक का कैलिपर ब्लू कलर में दिया गया है, जो कि शो को बात है कि ये एक ईवी कार है। टायर इस गाड़ी में ब्रिस्टोन एलेंजा है जो कि एक अच्छा टायर है। फिर सस्पेंशन के लिहाज से भी ये गाड़ी सॉफ्ट है एज कम्पेयर टू अदर ईवीज़।
ईवीज का सस्पेंशन काफी स्टिफ होता है ताकि वो इसकी बैटरीज का लोड उठा सके, बट इसका के केस में सस्पेंशन टोयोटा की बाकी सारी कार्स की तरह काफी सॉफ्ट सा है। फिर इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, ये सारी चीजें आती हैं जो कि इस राइड को बेहतर बनाती हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।